अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे चिकन टिक्का बोटी। ये बहुत ही लजीज डिश है, तो आज हम ये घर में बनाएंगे। मोस्टली हम ये बाहर से मंगा कर खाते हैं, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1.25 किलो चिकन लिया है बोनलेस, उसको बोटियों में कट कर लिया है। और मैरिनेशन के लिए हमें हरे मसाले का यूज़ किया है, तो सबसे पहले हम ग्रीन चिल्ली पेस्ट रेडी कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर धनिया लिया है, 4 से 5 काजू लिए हैं, 3 से 4 हरी मिर्ची और पुदीना भी लिया है। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे हम इसमें, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है। स्टेप बाय स्टेप अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। सबसे पहले हमने जो ग्रीन चिल्ली पेस्ट रेडी किया था उसको इसमें डाल देंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून लिया है, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, गरम मसाला डालेंगे, लाल मिर्ची पाउडर जस्ट कलर आने के लिए अच्छा यूज़ करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी ग्रीन चिल्ली पेस्ट यूज़ किया है। उसके बाद हमने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है, मलाई ऐड करेंगे, दूध की मलाई ली है मैंने, ये 2 से 3 टेबलस्पून है, ये भी ऐड करेंगे, जायका काफ़ी अच्छा आएगा। और दही ऐड करेंगे, जितना चिकन है उसके हिसाब से हमें दही ऐड करनी है। इसके बाद हमने यहाँ पे चिकन मैगी क्यूब ली है, ये पूरी 1 क्यूब हम इसमें ऐड कर देंगे। और हम ये ऐड करेंगे तो इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आएगा, तो हम नमक का ध्यान रखेंगे, इसके बाद हम नमक ऐड करेंगे। तो अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, कोयला जला लेंगे हम। यहाँ मैंने रख दिया है कोयला जलने के लिए, थोड़ी देर में ही ये जल जाएगा। नमक कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा नमक ऐड किया है, और हम हमारा कोयला इसमें रखेंगे और इसको स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो इसके ऊपर से मैं थोड़ा घी ऐड करूँगी, और फट से हमें हमारा ढक्कन ढक देना है कुछ घंटों के लिए। हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे, मैंने इसे 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ दिया है। 2 से 3 घंटे हो जाने के बाद इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से खुशबू जज्ब हो गई है, तो अब हम इसे पकाएंगे। तो सबसे पहले हमने नॉनस्टिक पैन में बटर ऐड किया है ताकि वो अच्छे से ग्रीस हो जाए। अब हमारा जो चिकन है हम इसमें पूरा चिकन ऐड करेंगे। पाँच से 10 मिनट तक हम इसे नॉर्मल फ्लेम पे अच्छी तरह चिकन को पकाएंगे, जब तक जो मसाला है वो अच्छे से पक ना जाए चिकन के साथ, तब तक हमें इसे पकाना है। इस तरीके से हम पकाते चले जाएंगे, जो हमारा चिकन है वो अच्छी तरीके से पक जाएगा। इस तरह पकते पकते ये सारा चिकन कुछ इस तरीके से सूख जाएगा। तो अब हम यहाँ पे अपना गैस का स्टोव ऑन कर लेंगे, और ये जो रेडीमेड ग्रिल हमें मिलती है स्टोव के लिए ये यूज़ कर रही हूँ। इसके ऊपर हम हमारा चिकन अब डायरेक्टली इस पे ऐड करेंगे, ताकि थोड़ा जो तंदूरी फ्लेवर है वो हम दे सकें इस पे। तो इस तरीके से सारी बोटियाँ मैंने इस पर रख दी हैं। हल्का हल्का हमें इसे पकाना है, जस्ट फॉर दैट फ्लेवर विच वी वॉन्ट, दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लगेगा, कुछ इस तरीके से जब ये हो जाएगा तंदूरी टाइप तो हमें निकाल लेना है, ज़्यादा जलाना नहीं है। बस इस तरीके से सारे हमने चिकन के पीस को इसी तरह से कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू सर्व, हम अब इसे सर्व कर लेंगे। इस तरीके से सारे पीस ऐड कर लेंगे प्लेट में। लास्ट में मोज़रेला चीज़ से हम इसे पूरा ऊपर से कवर कर देंगे। यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़ ली है, उसको ग्रेट करके इसके ऊपर पूरा कवर करेंगे अच्छे से,
इससे काफ़ी फ्लेवर जो है वो इन्हांस हो जाएगा। तो ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी। तो इस तरीके से ये काफ़ी लजीज लग रहा है और माशाल्लाह हमने जब इसे खाया तो इसका जायका भी काफ़ी अच्छा था। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए एंड ध्यान रहे मैरिनेशन कम से कम आपको 3 से 4 घंटे करनी है तो उसका फ्लेवर और अच्छा आएगा। तो आप भी ये रेसिपी ट्राई कीजिए एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, काफ़ी लजीज है। मस्ट ट्राई दिस रेसिपी। थैंक यू।